ना छाप जिंदाबाद 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 जय राम जिंदाबाद 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 जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा रमई राम जीतेगा इनकलाब जिंदाबाद 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 जी। तो भगत सिंह का नारा लगा रहे हैं तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा। अच्छा यही में आ जाता है सर। क्या नाम है आपका? सुगारत राम। सुगारत राम श्री सुगारत राम। आप यही सोते हैं? हाँ देख लीजिए यही दिए हुए हैं भगवान इसीलिए राम मैया जय जय करते हैं। गांव में आपकी कोई समस्या तो नहीं है जैसे बिजली पानी सड़कें हैं बेरोजगारी क्या स्थिति है? सरकार कुछ काम कर रही कि नहीं कर रही? सरकार तो अगला देवे करते हैं लेकिन उनको चमचा सा जो है सो यहाँ काट खोट करते हैं अपना बोसगिरी करते हैं। नीतीश जी दारू बंद कर दिए आ यहाँ एक भट्टी बंद कर दिए आ यहाँ सहोसर को भट्टी चालू कर दिए तो सरकार कौन सी के कर दिए निरारू फ्री कर दिए। मरद के बात नहीं मानते हैं वह औरत दिन भर मरद कमाएगा एक बोतल सारी नहीं पिएगा तो मरद कमाएगा कैसे? तो इसमें क्या मतलब सरकार दारू फिर से चालू करे? चालू करे तो फिर पाबंद काहे करते हैं एक बगल रोक लगाते हैं। अगर दारू बंद किए तो रोजगार देना चाहिए? तो रोजगार देना चाहिए। नहीं दिया है ना? नहीं दिया है। एगो भट्टी बंद कर दिए सहोसर को चुप चोरी से दारू चला रहे हैं पुलिस को भेजते हैं उसको 50,000 रुपया मिलता है वो अपने पॉकेट में रखते हैं। और क्या समस्या है? नीतीश के राज में पुलिस को कमाई है। आने वाले विधानसभा में नीतीश को हटाएंगे उसको उनको वोट नहीं देंगे काम नहीं कर रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं। हम लोग के देखिए उम्र हो गया 60 पार हो गया है वोटर लिस्ट में हमको नाम है 62 हो गया यहाँ हमको नाम जोड़वे नहीं करता है आपको नाम में। नीतीश जी की जो सरकार है भाजपा के साथ गठबंधन में है और मुकेश सहनी जी भी उसी गठबंधन में थे उनका 3 विधायक उन्होंने ले लिया है। अब तो भाजपा और नीतीश जी की सरकार है तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा तो अभी हम लोग कुछ नहीं करे हैं। कुछ नहीं कर रही है ना? 5 किलो राशन फ्री दिए हैं 50 रुपये 60 रुपये मटिया तेल दे रहे हैं अरबा चावल दे रहे हैं क्या उनसे हम आप कहें? तो ऐसा लगता है कि भाजपा का राशन भारी है अन्य पार्टियों पे। भाजपा जो राशन दे रही है वो किसी पार्टी के ऊपर भारी है? अब क्या भाजपा जो राशन देती है वो अन्य पार्टियों के ऊपर भारी है या नहीं? अरे वो भी तो राशन मिलता है 40 किलो मिलता है 4 आदमी में यहाँ घर पर तोलते हैं तो 35 किलो होता है। अच्छा 35 किलो होता है? 35 किलो होता है। तो देखिए ये सरकार की सच्चाई है कि राशन जो 40 किलो देते हैं घर पे ला करके तोलते हैं तो वो 35 किलो ही यहाँ निकलता है। कर लेते हैं वहाँ अगले तो डीलर क्या करेगा? डीलर भी चोरी करेगा। शिक्षा कैसी है आप लोगों के गाँव में? शिक्षा बच्चे एकदम निपट गमार सब है यहाँ शिक्षा में। बस वो खिचड़ी खा रहे खिला रहे कहते हैं घर जाओ। बस सरकारी स्कूल में कोई कड़ाई नहीं है कोई अपना बच्चे से खेलते रहता है और बाद चावल खिलाता है बच्चे से तब सबके तबीयत खराब हो जाता है सब खेलने रहता है। ऐसी सरकार के साथ क्या करना चाहिए? इसको हटाना है इसे इस राज से हटाना चाहिए। आप ही लोगों ने बनाया है अब आप लोग कह रहे हैं अब हटाएंगे उसको कुछ नहीं कर रहा है बच्चे सब खिलाता है अरबा चावल खिलाता है तब हटाएंगे तो किसको लाएंगे? रमई राम को लाएंगे जी। जी रमई राम के लाना है तो लाना। हाँ ये इन लोगों का जो है क्रांतिकारी विचार हैं दावे हैं। हाँ जी कुछ नहीं कर रहा है शिक्षा में कोई। जी क्या नाम है? जाओ हम कोहरी ना है? क्या क्या नाम बताया ना जावरी कोहरी हम कॉफी का नाम क्या है नाम आपका? नाम ही तो पूछ रहे शर्मा क्यों रहे? हमारा नाम है रंजी देवी। रंजी देवी रंजी देवी क्या समस्या है? क्या समस्या है? कौन समस्या रहा? जे समस्या से देखे छी ना किसको वोट देंगे? रोड में अथी हो लाइट लाग गेल किसको वोट देंगे? वोट देंगे रमई राम के उनकी सरकार बनो। हाँ बोचा में सरकार बनो बस तो बोचा विधानसभा में जो है रमई राम जी का बड़ा यहाँ पर दावा है। जी क्या नाम आप? नागेश्वर राम। बड़ा जोर से बोलिए नागेश्वर राम। आपको क्या लगता है
हमारा तो जो लग रहा है कि जो जिस दिन से मंत्री जी यहाँ से हटे हैं, सानी जी हमारे रमेश राम जो हटे हैं उस टाइम से तो परिवर्तन प्राप्त होगा। और जिस टाइम से वो भाजपा ने उनका तीन विधायक जो है अपनी पार्टी में शामिल किया है और उनको बर्खास्त भी कर दिया, तो भाजपा ने गलत किया कि सही किया? ना वो तो सही हुआ है। सही हुआ है? पहले बात तो सुनो। हाँ सुनाइए। वो सही हुआ है, लेकिन यहाँ तो अभी जो हम उनके लिए ललटेम में खड़े थे, उनकी पार्टी ललटेम की था, अब ये मतलब निकल गए दूसरी में। नहीं, वो आरक्षण की लड़ाई बोल रहे हैं कि पति पिछड़ों को 15% आरक्षण और बढ़ाया जाए, अगर आरक्षण बढ़ता है तो आपके बच्चों को भी मिले, क्योंकि आप भी अति पिछड़े में आते हैं, तो वो तो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा उसको नहीं मान रही थी तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, तो इसमें उन्होंने गलत कैसे किया? आप नहीं जानते, चुप रहिए ना, कुछ इधर बताइए। जबकि वहाँ हम लोग उनकी सहमत किए हर चीज। नहीं, वो आरक्षण की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो गलत है कि सही है? ना तो वो तो सही है, तो भाजपा उसको जब दे नहीं रही है तो उनको तो अलग होना पड़ेगा ना। हाँ, अलग होना पड़ेगा। तो इसमें आप कैसे कह रहे कि गलत किया? तो वही हम तो सोचे थे कि जे वो तो ललटेम में है, हम हर समय से उनकी ललटेम में नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, चुनाव चिन्ह नाम है। चलिए तो सही है, राम जी चुनाव चिन्हाव से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो पहले से जानते थे कि और ललटेम में है, ललटेम की उनकी हर बार ललटेम की जी आ रहे थे, तो हर बार ललटेम में हम लोग उनकी पार्टी नहीं थी ना 18 में। अभी जो ललटेम में गए नाव में गए हैं, तो ठीक है। हम लोग तो समस्या बताइए आपके अनुसार, आपके गाँव की क्या समस्या है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत मतलब काम नहीं हुआ उसको? देखिए, जो काम होने वाला है से अच्छा ही हुआ है, नहीं होने वाला है सो नहीं हुआ, लेकिन जब तक ने उनकी सहन शक्ति थी वो अपने कुर्सी पर थे। अच्छा, बताइए जिन लोगों के पास घर नहीं है क्या उन लोगों को घर मिल रहा है? वो तो जरूरत है। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी कहाँ मिला है, ये सरकार नहीं दे रही? नहीं, ये सरकार तो अभी तो लेडीज के मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। लेडीज मुख्यमंत्री सो ही हो रहा है, लेडीज मुख्यमंत्री अभी और क्या, कौन नीतीश कुमार बनाए हुए हैं लेडीज के मुख्यमंत्री, जो कह रहा है सो ही हो रहा है। नीतीश कुमार लेडीज है? लेडीज नहीं है, जेंट्स है, लेकिन पामर तो दिए हुए हैं। किसको दिए? लेडीज को दिए हुए हैं। किसकी लेडीज को? किसकी लेडीज का मतलब है, आप पूरी आम पब्लिक की जनता की बात बतला रहे हैं। ये खड़ी है ना, लेकिन इनके पास पावर है? और क्या पावर नहीं है, कैसे पावर नहीं है? कह रहे हैं लेडीज के पास पावर। जाएंगे हम कमाने नहीं जाएंगे तो इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, और हम कमा खोटा के 2-4 पैसा कमा के आएंगे तो एक बोतल तो दारू पीना है जरूर। हम रिक्शा जरूर पीना, चालक है, दारू जरूर पीना। नहीं, दारू नहीं पीना है तो छोड़िए ना, एक देखो दारू भी नशा करती है, ताड़ी भी नशा करती है, मतलब नशा जरूर चाहिए। जरूर चाहिए, रिक्शा चलाएंगे नहीं हम पिएंगे तो हम जिएंगे कैसे? लेडीज के पास फुल पावर है। और क्या, हम आगे नहीं लाएंगे तो चप्पल भी उठ सकते। और तो यहाँ पर इस तरह का माहौल है, इसको वोट देंगे रमई राम। चुनाव चिन्ह क्या है? रमई राम के, रमई राम को। हाँ, समस्या है आप लोगों के गांव में? हाँ, तो समस्या तो है, ये चला रहे थे, कर रहे थे, चलता है। बटन किसका दबाएंगे? नौ छाप वाला। ये तो आप हमें बता रहे 12 तारीख को क्या होगा, चुनाव लड़ा जाए? नौ छाप पूरा परिवार। हाँ, पूरा परिवार। आपका क्या नाम है? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? संजय देव। कौन जीतेगा? रमई राम। वो भाजपा की क्या स्थिति? अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी जो है जागरूक हैं, सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी ना उछाल। क्या नाम है सर? मुन्ना। क्या लगता है, अमर पासवान की रमई राम जी जितना है जी रमई राम की?
सी बुरा हाल है। उपड़ा साहब आपका क्या नाम है? क्या लगता है रमई राम की अमर पास हो? उन्हीं को वोट क्या है उनका नाम? छा आपका क्या नाम है? रवि रंजन। रंजन क्या लगता है कौन? रमई राम जीत रहे हैं जी? नहीं मतलब हर जगह से उनका सपोर्ट है, जितना सुनने में भी आ रहा है हर जगह से उनका सपोर्ट है, हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि फुल सपोर्ट से उन लोग जीतेंगे और हम लोग पूरा फुल सपोर्ट में है। इधर गांव का भी कह रहे हैं कि भाजपा की हालत ख़राब है। हाँ भाजपा का हालत तो ख़राब है, जैसे उनका यूपी में तो सरकार बना ली है भाजपा। यूपी में सरकार बना ली है वह, पर यहाँ की माहौल उनका नहीं है। मुकेश सहनी हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हाँ लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। मैं अरविंद राम। क्या लगता है कौन जीतेगा? मुकेश सहनी। रमई राम जी? हाँ वही रमई राम। नाव चिन्ह क्या? नाव अच्छा। भागना नहीं है, नहीं तो हम भी भागेंगे। फिर नाम बताओ अपना, जब तक नाम नहीं बताओगे जाने नहीं देंगे। नाम बताओ जी, इधर चारा करें जी। क्या लगता है रमई राम या अमर पास? रमई। कौन जीतेगा? रमई। थोड़ा जोर से बोलिए। गीता देवी। हाँ उन्हीं की लड़की है। हाँ आप अभी तो आपस में आप लोग बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? इनको रोटी वोटी खिलाओ, आवाज नहीं आ रही पेट में। कौन जीतेगा? गीता देवी। चलिए ठीक है। हाँ बोली। कौन जीतेगा? रमई राम जीता थी कि गीता देवी जीता थी? हाँ। और अमर पासवान क्या है वोट? अमर पासवान आप तो हमारा नाम जान में हमरे पास मान जीती गीता देवी जीता थी। चलिए तो देखिए यहाँ सिर्फ गीता देवी, रमई राम और मुकेश सहनी नाव छाप, यही सब है। रमई राम जिंदाबाद, जिंदाबाद रमई राम, जिंदाबाद रमई राम, जिंदाबाद जिंदाबाद नाव छाप, जिंदाबाद।